अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशरूक काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन पे या व्हाट्सएप मैसेजेस पे काफ़ी सिमिलर सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं बार बार एक ही जवाब रिपीट करने के बजाय अब मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं कॉमनली आस्क क्वेश्चंस जो अक्सर सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में जवाब दूंगा। इस वीडियो में मैं दो सवाल के जवाब दूंगा। पहला सवाल जो अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या साइनोफॉर्म वैक्सीन के कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, साइनोफॉर्म वैक्सीन चाइना की वैक्सीन है जिसके अभी तक कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्यूमेंट नहीं हुए। ऑल्दो इसके काफ़ी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम एक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, जिनमें बुखार का होना, फटीक, बैक पेन, लिथार्जी, मसल पेन और एक्सट्रीम वीकनेस, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। मगर अभी तक वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका में क्लॉटिंग के हैं, यानी दिमाग में क्लॉट का बन जाना, वो नहीं देखे गए। या फाइज़र में कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं जैसे कि बेल्स पाल्सी जो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और मायोकार्डाइटिस जो दिल के जो मसल्स हैं उनकी स्वेलिंग को कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने वीडियोस बना चुका हूँ। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स साइनोफॉर्म में नहीं देखे गए। तो साइनोफॉर्म वैक्सीन एक बहुत सेफ वैक्सीन है जिसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक नहीं देखे गए। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ब्लड प्रेशर के मरीज़ साइनोवैक वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ साइनोवैक वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर का कोई सीरियस कॉन्ट्रेंडिकेशन नहीं है कोविड वैक्सीन के लिए, मगर ये कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें और उसके लिए जो अद्वियात हैं उनको बाकायदगी से लें। सिर्फ एक सिचुएशन में आप कोविड वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 सिस्टोलिक बाय 110 से ज़्यादा हो। ये एक सीवियर हाइपरटेंशन में क्लासिफाई होता है और इन पेशेंट्स को वैक्सीन लगाना प्रोबेबली डिले हो सकता है इन पेशेंट्स में। मगर एज सच ब्लड प्रेशर का होना कोई कॉन्ट्रेडिकेशन नहीं है कोविड वैक्सीन नहीं लगाने के लिए, मगर कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लें। अगर आपके कुछ और सवाल में जो मैं देखता हूँ अगर वो क्वाइट सिमिलर होंगे तो मैं उसके लिए यकीनी तौर पे एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।